गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्पेशली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के अंतर्गत अपन जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं उसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टेडल और टेटाइड। तो यहाँ पर सबसे देखते हैं पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, यानी कि इसको बोलते हैं संपूर्ण पर्वत। ठीक है, तो फर्स्टली हम वेल नोन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और कलरिंग नेचर है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है उसके पीछे क्या रीजन होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैकेंट होते हैं, इनकी साइज छोटी होती है। या यूँ कह सकते हैं जैसे अपन सपोज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, स्कैंडियम से कहाँ तक चलेंगे अपन, मैग्नीस तक, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद में फिर आयरन से अपन चलेंगे तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसी प्रकार सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे अपने देखा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में फोर, यानी कि फॉर्मेशन नंबर 4 एंड 6, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं उसमें फोर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहाँ पर फोर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत अपने देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 होते हैं। कहने का मतलब जब भी आप कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी के बारे में बात करें, अपन जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है तो उनकी जो कॉम्प्लेक्स नेचर फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल रखते हैं और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कंपेयर में 7 और 8, यानी कि उनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होते हैं, इनसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एज ए डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कई बार जैसे अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ते हैं, क्योंकि अपने जो इनऑर्गेनिक है उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फिर उसके अलावा स्टेडियो पर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो ये तो हो गई बात। अब जनरल टाइम्स जो अपन को समझ में आना चाहिए और क्योंकि टाइप ऑफ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को अपन देखते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं या यूँ कह सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ दी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे टेट्रा हेड्रा, सेकेंड ऑक्टाहेड्रन और थर्ड है स्क्वायर प्लेन। ठीक है, स्क्वायर प्लेन। अब चूंकि टेट्राहेड्रल है अब ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में दो प्रकार की सिचुएशन होती है, कैसी कैसी, एक तो H3D2 और दूसरी D2S। ठीक है,
ये कंडीशन किसमें होती है, ऑक्टेटाइडल में होती है। और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो अपन यहाँ पे ऐसे स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर में डी एस टी टू हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे और उसी के आधार पर इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेट्राहेड्रल का अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे ये डी ऑर्बिटल, ओके है डी ऑर्बिटल, और इधर क्या है लिगेंड्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर सपोज दैट अपन टेट्राहेड्रल की बात करें या ऑक्टेट्राहेड्रल की बात करें, तो इस केस में क्या होता है, अगर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा जिसको अपन बोलते हैं चतुष्कोण, यानी कि उस केस में जो सी एफ ए सी यानी कि क्रिस्टल फिल्म सी एफ एस यानी कि डेल और सी एफ ए सी डेल ओ, दूसरा लिगेट्स, लिगेट्स विच में भी स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि लिगेंड होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है, ये अपन कह सकते हैं कि भाई वो जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। ये किसके आधार पर अपन फाइंड आउट करेंगे, वो उसके आधार पर करेंगे कि लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अपन कुछ डिस्कस करते हैं। देखिएगा सपोज दैट लाइक दिस, कुछ एग्जांपल के द्वारा मैं सपोज दैट जैसे एन आई एच टू एन आई एच टू का होल सिक्स प्लस टू लाइक दिस, ठीक है। निकिल है, जनरल निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लस टू आएगा, तो प्लस टू के बाद में जो यानी कि हैविंग 28 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस आधार पर इसका जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d, ओके। लेकिन चूंकि ni प्लस टू है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, ठीक है। अगर अपन इसी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें संकरण कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा sp3d2, ये ध्यान रखें क्या होगा sp3d2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H2O यानी कि जो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या है, वीक लिगेंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन होगी, तो अब यहाँ इसको एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 ये है डी एच, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन द टू टाइप्स, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिनको अपन कह सकते हैं ईजी हैविंग हाई एनर्जी लेवल, दूसरे T2g हैविंग लो एनर्जी, जिनको अपन कहेंगे T2g यानी कि DXY, YZ एंड ZX, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखेगा अगर अपन NiH2O6+2 की बात कर रहे हैं तो D8 1 2 3 4 5 6 7 4 8, ठीक है। अब अगर इन केस क्या होगा, कोई भी लिगेंड होता है, अगर अपन जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं, CFAC की बात करेंगे, तो डी ऑर्बिटल में कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो डी ऑर्बिटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब लिगेंड्स आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है और डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन द टू पार्ट। अब डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स वो दो प्रकार का होगा, एक तो ऑक्टेट्राहेड्रल कंडीशन होती है, एक टेट्राहेड्रल कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखिएगा
अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से कहने का मतलब 1, 2, 3, एक तो ये केस हो गया और एक ए हो गया। कहने का मतलब इनको अपन बोलेंगे T2G, है ना। और कितने सपोज एट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या है TG, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, चूंकि मैंने कहा था जब लिगेंड्स डी ऑर्बिटल के पास आते हैं तो डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स, यानी कि T2G और EG। अब यहाँ पर T2G में T2G भी यहाँ पर देखेगा DXY, DYZ, DZX, ओके। अब यहाँ पे EG की बात करेंगे बिकॉज EG है इन द हायर एनर्जी लेवल, यानी कि कहने का मतलब DX² Y² and 1 of the DZ² कहने का मतलब इसको भी अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो EG होता है DX² Y² और DZ² कहने का मतलब इनकी ऊर्जा उच्च होती है। ये तो होगी केसेस की। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने